लोकसभा चुनाव के नतीजे आए अभी कुछ दिन ही हुए हैं कि कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं में आए दिन नए नए नाम शामिल हो रहे हैं। इसी बीच हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। कांग्रेस के कई अन्य नेताओं के भी भाजपा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने पर हरियाणा की सियासी समीकरण भी बदलने लगे हैं। इसी बीच भिवानी पहुंचे हरियाणा के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने किरण चौधरी के कांग्रेस से भाजपा में आने पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने किरण के भाजपा में आने का स्वागत करते हुए कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किए हैं। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी न रहकर एक परिवारवादी संगठन बन चुकी है। इस संगठन पर जिसका कब्जा होता है वह दूसरों को प्रताड़ित करता है, जिसके चलते कांग्रेस नेता सम्मान नहीं मिलने पर कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किरण की तरह कांग्रेस के कई नेताओं की लाइन लगी है जो भाजपा में आना चाहते हैं। मैं तो बहुत दिनों से कहता ही आ रहा हूँ कि कांग्रेस जो है परिवारवादी संगठन है और इसमें जिसका कब्जा हो जाता है दूसरे आदमियों को प्रताड़ित वो करते हैं। बहुत सारे लोग कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे थे, सम्मान उनको नहीं मिल रहा था और वो लोग जो है हमारे संपर्क में आकर के अपनी व्यथा बताते हैं और इच्छा जाहिर करते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। जेपी दलाल ने कहा कि किरण चौधरी के भाजपा में आने से हमारा कुनबा बड़ा है और पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं किरण चौधरी से पहले अपने 36 के आंकड़े को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि पहले हम अलग अलग पार्टी में थे और अपनी अपनी पार्टी की बातें करते थे, अब हम दोनों एक ही पार्टी में हैं। ऐसे ज्वाइन करने वालों की और भी लाइन है और कल जो हमारे किरण चौधरी ने ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी, उससे हमारा जो कुनबा बढ़ा है, मजबूती मिली है, पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में बराबरी पर आने पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने के दावे पर जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस गलत फहमी में ना रहे। कांग्रेस अगर इस बुलाव में रहे कि उनको जन समर्थन मिलेगा तो गलत फहमी में है। कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। ये जो इस वक्त कांग्रेस ने एक एक घंटे के अंदर 10-10 कैंडिडेट विधानसभा के तैयार करके वोट डलवा दिए, कांग्रेस को ख़त्म करने में जब एक कैंडिडेट को टिकट मिलेगी, सबसे बड़ा जो कांग्रेस को ख़त्म करने में यही कैंडिडेट अपना जोर लगाएंगे, कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होगा। हरियाणा में लोकसभा से ज्यादा सियासत आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही है, जिसको लेकर उठापटक का पहला कदम किरण चौधरी ने उठाया। अब भाजपा इसे भुनाने में लगी है तो कांग्रेस लोकसभा के रिजल्ट का हवाला दे रही है। ऐसे में देखना होगा जीत हार का असल फैसला करने वाली रेफरी रूपी जनता किसे चुनती है।